नमस्कार, मैं तुकारी मिश्रा, आप देख रहे हैं देवभूमि न्यूज। मैं पहुंचा हूं आरटीओ ऑफिस में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम जो विक्रम चालक हैं यहां पे, तमाम ऑटो यहां पे खड़ी है। क्या कुछ मामला है, हम सीधे बात करेंगे किस वजह से 15 तारीख क्या कुछ हुआ था, सीधे हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सर, आपका नाम बताइए और सर क्या कुछ हुआ था 15 तारीख, उसके बाद आपको आरटीओ में आके यहां पे सारे विक्रम खड़ा करना पड़ा। मैं पवन कुमार, उपाध्यक्ष विक्रम जन कल्याण सेवा समिति से हूँ, और जो है ये मैजिक वालों का और विक्रम वालों का प्रेम नगर में कुछ झगड़ा हुआ था। जब भी कोई छोटी छोटी बात होती है, मैजिक वाले सिर्फ आरटीओ साहब के पास आके शिकायत करते हैं कि विक्रम वाले हमें परेशान कर रहे हैं। इसी बात को लेकर आरटीओ साहब ने फिर हमारे सचिव साहब को बुलाया यहाँ पर कि भाई क्या बात है, कैसे है कि आप लोग इन्हें क्यों परेशान कर रहे हो, सवारी बैठाने का मसला है तो फिर आरटीओ में आने का क्या मतलब है। उसके बाद से जो है हमारे संचालकों को पता चला और आरटीओ साहब ने सीधे ये कह दिया था कि मैं आप लोगों को चलने नहीं दूंगा। इस वजह से जो है हमारे जितने भी संचालक हैं और विक्रम मालिक हैं सब आक्रोशित हो गए हैं, और कम से कम 6 महीने हो गए हमें परेशान करते हुए, चलान के द्वारा, पुलिस के चलान के द्वारा लगभग 20-20 दिन हमारी गाड़ियाँ जो है रेंजर्स ग्राउंड में बंद कर दी गई है। सिर्फ ये कि खाली गाड़ियां पकड़ के हमारी गाड़ियां रेंजर कॉलेज ले गए पुलिस वाले, जो गाड़ी में कोई सवारी भी नहीं थी। ये मामला चार पांच दिन पहले भी आया था। रेंजर कॉलेज में जो गाड़ियां खड़ी हो गई, हमारी गाड़ियां नहीं छोड़ी उन्होंने। हम इनके मिनते करते रहे, इनके एसईओ ऑफिस में घूमते रहे, हमारी कोई सुनवाई नहीं। हमें समझा कुत्ते की तरह आ रहे हैं, भाग जाएंगे सारे। और ये इनकी आरटीओ की एसईओ साहब की दोनों की मिली भगत से हो रहा था काम। वो उसने कहा गाड़ियां बंद कर दिया, हमारी गाड़ी के कागज पूरे हैं, आप नो पार्किंग चलान करो, आप हमारी गाड़ी रिलीज कर दीजिए। हमारी गाड़ी रिलीज की 22-23 दिन उन्होंने गाड़ियां खड़ी करी। फिर हमारे जो है अध्यक्ष साहब ने जो है वकील साहब से बात करी हाई कोर्ट में, तो उन्होंने कहा कि अपनी गाड़ियों की बेल करा लीजिए आप। हमने अपनी गाड़ियों की बेल कराई है, फिर हमारा मुकदमा कायम हो गया। जो हमने बेल करा ली, हमने जमानत करा ली, हमने जुर्माना दे के अपनी गाड़ियां नहीं छोड़ाई हैं। अब जो है सीएम साहब कहने लगे, उन्होंने कहा मैं वही फंस गया, अब मुझे तारीख में आना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ियां उन्होंने बंद करी है। इसके कहने से बंद करी, आरटीओ साहब के कहने से बंद करी। अब जो है मुकदमा कायम हो गया है, हमने बेल करा रखी, अब उसमें तारीखें पड़ेंगी, चाहे जहाँ सिटी कहीं भी उनको तारीख में आना पड़ेगा। अब इन्होंने पल्ला झाड़ लिया। मीटिंग भी हुई है, उनका अब ये कहना है कि आप मैजिक वाले और विक्रम वाले आपस में मिल के आप रोड पे चले, उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। वो कह रहे हैं कि अब आप लोग मिलके चल सकते हैं। कितनी गाड़ियां होंगी हमारी? 500 ऊपर ही गाड़ियां। मामला ये भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग पर दबाव दिया जा रहा है कि आप लोग मैच लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल 100% भाई साहब, बिल्कुल यही कह रहा। हर आदमी को ये पता चल गया कि ये दलाल बने हुए आरटीओ साहब। क्यों कह रहे हैं हमें मैजिक लो, हम कोई और गाड़ी भी ले सकते हैं। और दूसरी सीएनजी गाड़ी आ रखी है, जैसे आ रखी है वो सीएनजी में कन्वर्ट है, वो क्यों नहीं ले हम मैजिक ही क्यों ले? हमें मैजिक का दबाव दिया जा रहा है, मैजिक लो। जैसे मैजिक में भाई साहब अगर 1500 का गाड़ी काम करती है तो 1200 रुपये का पेट्रोल खा जाती है। ड्राइवर उसके जय मीटर ही देखता रहता है, नीचे चली गई, नीचे चली गई, पेट्रोल हरा, वो मालिक को क्या देगा? क्या हम पालन पोषण करेंगे, क्या उसके इंश्योरेंस कराएंगे, क्या करेंगे? इसलिए हम गाड़ी नहीं डालेंगे, भले हमारा परमिट ही खत्म हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन हम गाड़ी नहीं डालेंगे। इतना उत्पीड़न कर रखा है उन्होंने, अब तो हद से पानी ऊपर हो गया, सर से ऊपर हो गया। लेकिन हर आदमी को अब ये जागरूक हो गया, सब समझ में आ रहा कि आरटीओ साहब दलाल बने, मैजिक के दलाल बने पूरे पूरे। देखने वाली एक बात ये भी है कि 15 तारीख से लगातार 500 विक्रम चालक की गाड़ियां खड़ी हैं, अब तक सीधे तौर पर यह कहना है कि जो आरटीओ साहब हैं दलाल बने हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने इस बात पर भी मामला आ रहा है कि क्यों इनको दबाव डाला जा रहा है मैजिक के लिए? क्या कुछ है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्या लगता है आपको? है कहीं कुछ ना कुछ मिली भगत है या कुछ बिल्कुल मिली भगत है, बिल्कुल दिखाई दे रही है ऐसा है। अभी 22 नवंबर में मीटिंग हुई थी, उसमें गवर्नमेंट ने ये कहा था कि आप लोग जो है इन गाड़ियों को सीएनजी में कन्वर्ट कीजिए, पर आरटीओ साहब ने जो है ये मैजिक ला के ना कि मैजिक में कन्वर्ट कीजिए, वो पेट्रोल से चली थे उसमें हमारा बिल्कुल पड़ता नहीं कर रहा, उससे परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। हमारी 2018 मॉडल 2020 मॉडल गाड़ियां हैं, हम कैसे चेंज कर लें? सेंटर की गाइडलाइन है कि 15 साल आप गाड़ियां चलाइए और उसके बाद गाड़ी बदलेंगे, हम भी उसी पे हैं। हमारे जिस दिन शहर में सीएनजी पेट्रोल पंप और सीएनजी गाड़ियां आ जाएंगी, हम धीरे धीरे मॉडल कंडीशन ख़त्म होती रहेगी। 2015 मॉडल है, जैसे 15 वर्ष जैसे ही हमारी गाड़ी को पूरे होंगे हम गाड़ी चेंज करके सीएनजी गाड़ी ले लेंगे, बस हमारा ये कहना है। पर हमें जबरदस्ती जो है पेट्रोल गाड़ी ना थोपी जाए,
ये सब लोग बेचारे गरीब हैं, पूरे दिन चला के जो है रात को अपने परिवार का भरण पोषण के लिए 300 से 400 रुपए मात्र ले जाते हैं। सुबह से शाम तक शहर में पब्लिक की सेवा करते हैं। हम लोग चोर नहीं है, हम सेवा ही में लगे हुए हैं और 40 वर्षों से इस शहर में सेवा कर रहे हैं। इस बात को सबसे आप किसी से भी पूछ सकते हैं। शहर में कोई व्यवस्था नहीं है, सिटी बस बिल्कुल बंद हो चुकी है। शहर की जो व्यवस्था है सिर्फ विक्रम ही देख रहा है इस टाइम। सस्ती सुलभ, बिल्कुल सस्ती सुलभ जो ये सवारी है, इसके अलावा कोई सवारी नहीं है। जी परिवार से जुड़े हुए हैं और एक दिन में भैया 500 रुपए से 600 रुपए आदमी कमाता है। एक ड्राइवर पूरे दिन चल के 300 रुपए, ड्राइवर 300 या 400 रुपए से ऊपर नहीं कमाता है। और मालिक को 500 रुपए देता है उसमें। रोकना चाहूंगा जी सर, आंसू देख रहा हूँ। ये क्या कुछ आपकी आंखें नम है क्यों? यही हो जाए और विक्रम खड़ा हो 80 वर्षों से बेचारे 30 साल से विक्रम ठीक करा। मैं मैकेनिक भी हूँ, मुझे बारे में पूरा पता है। ये इस जैसी गाड़ी बन नहीं सकती है भाई। अगर हमें देनी है तो इस जैसी गाड़ी बना के गैस की दे दो, जबकि तुम्हारे आवेदन में लिखा है गैस की गाड़ी डालनी है, पेट्रोल की गाड़ी क्यों हमें दे रहे हैं? कुछ वजह होगी, कोई तो इधर मामूली आदमी समझ सकता है। इनके आवेदन में लिखा हुआ है। आप एक बात बताओ, ठीक है आप कहते हो कि गाड़ी ये है वो है, एक घंटी पे चलान काटना बहुत बड़ी बात होती है। एक घंटी आपके घर में घंटी है, आपके घर में घंटी है। आप अगर कोई आगे बोलेंगे घंटी आपकी घंटी घर के घर आगे घंटी लगी है, इसे हटाओ आपका चलान कट जाएगा। विक्रम के अंदर सवारी उतरती है, टंग टंग करके उतारेगा आदमी स्टॉपेज में। हमारी सबके गाड़ी के चलान कटे हैं घंटी के ऊपर, केवल एक घंटी के ऊपर। और कहाँ पे आपका ये बहल चौक है, वहाँ पे टीआई ने रोका, हमें रोका, गाड़ी का रोकी थी। असर क्या हो गया? सवारी कम है हमारे में, 6 सवारी थी। तुम्हारे गाड़ी में घंटी है? घंटी है, सब गाड़ी में घंटी है। बिना घंटी के तो कोई स्टॉपेज कर नहीं सकता आदमी। भाई बहल चौक उतार दिया, पार कर उतारा। हमारे भूतपूर्व प्रधान राणा जी, उनका कहना था कि देखो तुम्हारे यार 20 गाड़ी को चलान कटे, वो मेरे कहने पर वो चलान रुक गए। अब एक बताओ आज की डेट में वो मैजिक लेके बैठे हुए, तो इसका मतलब क्या है कि मतलब मिली भगत थी ये भाई? आप एक घंटी के पर, एक नॉर्मल घंटी कितनी, एक घंटी का बैल सूच लो 10 रुपये, अदरवाइज बजर आपका 10 रुपये का। भाई आप भी बैठ रहे हो, आप भी बैठ रहे हो, कोई आदमी बैठता है घंटी तो बजाएगा आरटीओ को, तरफ तो डक 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 तो कोई मारेगा नहीं। इसकी आवाज़ ऐसी होती है कि आदमी को सुना ही नहीं। थोड़ा आगे सवारी भी बोलती थी भैया हमने यहाँ उतरा घंटी भी, मैडम कहते मैम सॉरी गलती हो गई। वजह क्या? ये हमारे पुराने राणा जी राजपुर रोड के लिए मैं खुद कह रहा हूँ, उन्होंने मुझे साफ बोला है कि भाई हमारे बीस चलान का था उसका, मैंने 15 चलान पे रोक दिया गाड़ी तुम्हारी। तो सर अब आप बताओ ना, ये पुराना मालिक हमारा प्रधान राणा योगेंद्र सिंह राणा, आज वो मैजिक लाया तो आज वो कहता है कि सब विक्रम वालों को भड़काता है कि मैजिक लाओ और सुरक्षा कमाओ। एक बात और भी है ना, हमारे घर में पित्तल के बर्तन है नहीं, हमारे यहाँ तो कटोरे है, उसी में रोटी खाते है, उसी में बनाते है। गरीब लोग क्या करेंगे बताओ? गरीब आदमी यही करेगा ना कि 10 रुपये कमा के ला रहा हो भाई, 4 रुपये बच्चों के लिए बचा के रखनी है। दुख तकलीफ भी है, बीमार भी है, हर चीज़ की है, स्कूल की भी पढ़ाई है। अब भाई लॉकडाउन से गाड़ी खड़ी है, समझो लॉकडाउन में जितनी परेशानी हम लोगों ने खाई विक्रम वालों ने, यह हमारे बच्चों को पता हुआ, या हमारे पब्लिक को पता, पब्लिक भी परेशान रही है। अभी हमारे थोपते क्यों हैं टाटा मैजिक लाओ? हम तो नहीं ला सकते ना, अभी हमारी किस्तें भी नहीं गई हैं, बैंक की किस्तें भी देनी है हमने। बार बार अखबार में निकाल देते हैं कि आपको 1 महीने का समय और दे दिया गया है। अच्छा, आप आवेदन करो अपनी गाड़ियों का। फिर तुम फुटकर चलान क्यों कर रहे हो? हमारे मैजिक कैब लिखा हुआ है मैक्सी कैब, तो फुटकर चलान आप कर नहीं सकते किसी हाल में। हम तो मैजिक के बराबर दे रहे हैं टैक्स आपका, या ना टैक्स वापसी कर दो। जब तक आप टैक्स ले रहे हैं आप वापसी कर दो। तो हमें इतना परेशान ना करें आरटीओ साहब कि हम सब लोगों को आत्महत्या करनी पड़े। बिल्कुल कहीं ना कहीं 15 तारीख से उन्हें उनका सीधा आरोप है कि आरटीओ द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है, उन्हें जबरदस्ती ये प्रेफर किया जा रहा है कि वो मैजिक गाड़ियां खरीदें।